सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस में ड्रग्स के एंगल आने के बाद में बॉलीवुड में एक के बाद एक ड्रग्स से जुड़ी हुई तह खुल रही है। इसमें कई जाने माने सेलेब्स का नाम ऑलरेडी आ चुका है और कुछ लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं। वहीं पर एक कनेक्शन सलमान खान से भी इसका जोड़ा जा रहा था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की लीगल टीम ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में सलमान खान की भी कोई हिस्सेदारी है। दरअसल ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एनसीबी की रडार पर है, क्योंकि सुनने में आया है कि एजेंसी के कुछ कर्मचारियों ने अपने ग्राहकों के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। एजेंसी का नाम मीडिया में आने के बाद से खबरें आने लगी थी कि इसका सलमान खान के साथ भी कोई कनेक्शन है, और जिसके बाद सलमान खान पर भी कुछ सवाल उठने लगे थे। लेकिन सुपरस्टार की लीगल टीम की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका इस मैनेजमेंट एजेंसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सलमान खान की ओर से डीएसके लीगल के आनंद देसाई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है, मीडिया के कुछ वर्ग गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट सलमान खान के क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में शेयर है। ये स्पष्ट किया जा रहा है कि सलमान खान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्वान और इसके ग्रुप में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। ये अनुरोध किया जाता है कि मीडिया हमारे क्लाइंट के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित करने से बचे। आपको बता दें कि एनसीबी ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों के ड्रग्स के सेवन के मामले की जांच के सिलसिले में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ ध्रुव को पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों से पूछताछ की है। वहीं एनसीबी ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जया साहा से भी पूछताछ की है। ड्रग्स रैकेट में रिया का नाम उनकी जया साहा से हुई व्हाट्सएप चैट के बाद ही सामने आया है। जया से इससे पहले सीबीआई और ईडी ने भी लंबी पूछताछ की हुई है।